नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। भोपाल की साइबर क्राइम टीम ने मोतीलाल ओसवाल पीएमएस की फर्जी वेबसाइट मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली है। ये आरोपी वेबसाइट के माध्यम से बल्क ट्रेडिंग और आईपीओ में इन्वेस्टमेंट के नाम पर धोखाधड़ी करते थे। एडिशनल डीसीपी क्राइम शैलेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि ठग खाता धारक फर्जी एंटरप्राइजेस कंपनी के नाम पर करंट अकाउंट ओपन कराता है। आरोपी कूटरचित दस्तावेजों का उपयोग कर बैंक में करंट अकाउंट ओपन कराकर धोखाधड़ी करते हैं और खाता धारक से खरीदे हुए करंट अकाउंट से मोटा कमीशन लेकर ठगी के लिए टेलीग्राम के माध्यम से फ्रॉडस्टर्स को उपलब्ध कराते हैं। आरोपी ट्रांजैक्शन के हिसाब से अपना कमीशन लेते थे। पुलिस को अपराध में प्रयुक्त बैंक खाते में करीबन 15 करोड़ का ट्रांजैक्शन का हिसाब मिला है। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। वर्तमान में हम लोग देख रहे हैं कि लोगों को कई साइटें, कई तरह के विज्ञापन हैं जो जल्द अमीर बनने का खौफ दिखाते हैं और लोग इसी लालच में आकर अपना बहुत सारा पैसा गवा देते हैं। मोतीलाल ओसवाल का जो पीएमएस नाम की ऐप है, इस तरह बनाई गई थी तो ओसवाल कंपनी के शेयर्स बल्क में बेचकर बल्क ट्रेडिंग के नाम पर इनको इन्वेस्टमेंट कराया गया। एक फर्जी जो ओसवाल नाम से पीएमएस ओसवाल नाम से ऐप बनाई गई, उसमें इनको जो इनका जो मुनाफा वो भी कई गुना ज़्यादा दिखता था, एकदम दिखता था और उन लोगों को पसंद आता था जो इस तरह के मुनाफे बैठे बैठे मुनाफे एकदम बड़ा आदमी बनने की चाह रखते हैं। तो इस लालच में आकर अपराधी द्वारा भी 86 लाख रुपए गवा दिए गए, जबकि हम सभी लोग जानते हैं कि कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट सेवी के माध्यम से करना चाहिए, उनके थोड़ा एजेंसियों के माध्यम से करना चाहिए और जब आप इतना पैसा अमाउंट दे रहे हो तो वो कहीं ना कहीं इस चीज़ का सत्यापन या उस पैसे के लौटने की कहीं ना कहीं उम्मीद या उस तरह का सबूत आपके पास रखना चाहिए। बाद में जब ये इनकी ऐप बंद हुई, इन लोगों ने फ़ोन उठाना बंद कर दिया, बातचीत करना बंद कर दिया, तब फरियादी द्वारा शिकायत की गई। इसमें भोपाल के तीन व्यक्ति पकड़े गए हैं, जिसमें कि खाते में पैसा आया है। दो व्यक्ति हैं जिन्होंने खाते खुलवाए हैं, यहाँ पर पैसे वापस भेजा है उस मुख्य आरोपी को, जिसके द्वारा ये धोखाधड़ी प्रारंभ की गई। मामला कुल मिलाकर इस तरह की इसमें ग्रुप में कई लोग शामिल होते हैं, जो कुछ लोग ऐप बनाते हैं, कुछ लोग उसमें अकाउंट जो है खरीदवाते हैं, अकाउंट किराए पे लेते हैं, कुछ लोग पैसा डलवा कर उनका पैसा बाहर भेजते हैं, बाहर से मतलब जो सरगना है उसको भेजते हैं। इस तरह का जो नया रैकेट चल रहा है और मेरी लोगों से अपील है कि इस तरह की झांसे में ना फंसे। भोपाल क्राइम ब्रांच की साइबर जो शाखा है उसने तीन आरोपी इस मामले में गिरफ्तार किए हैं, गिरफ्तार कर उनको रिमांड पर पेश किया गया है। सर, इसमें जो कि जब व्यक्ति मानता था कि उसके पैसे का इन्वेस्टमेंट किया, उसका डॉक्यूमेंट भेजिए, तो कहीं भी किसी प्रकार फर्जी सीने लगाकर ये लोग उनको भेज दिया करते थे। परंतु हम ये जानते हैं कि जब इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हों उसमें कहीं ना कहीं लोकल एजेंसी को इन्वॉल्व करना चाहिए, जहाँ पर इंस्टीट्यूशनल लोग ट्रेडिंग करते हैं शेयर की चाहे इन्वेस्टमेंट की। तो कम से कम स्थायी व्यक्ति के माध्यम से जब इतनी बड़ी शेयर कर रहे हो तो कोई ना कोई बीच में इस तरह का माध्यम होना चाहिए जो इनके द्वारा। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।